दोस्तों Xiaomi ने जून के महीने में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपना Redmi 9 सीरीज को पेश किया था और इस सीरीज के तहत Redmi 9, Redmi 9A और Redmi 9C स्मार्टफोन लॉन्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा Xiaomi इंडिया में इस सीरीज का Redmi 9 Prime स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है जो कि 10,000 रुपए के स्टार्टिंग प्राइस में देखने को मिल जाता है। वहीं अब खबर आ रही है कि कंपनी इंडिया में इस सीरीज का एक्सपेंड करने जा रही है और इसके तहत Redmi 9A स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों Redmi 9A स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन साइट वाईफाई अलाउंस पे लिस्ट किया गया है और यहाँ पे लिस्टेड Redmi स्मार्टफोन का मॉडल नंबर इस प्रकार से देखने को मिल जाता है जिसे Redmi 9A का इंडियन वर्जन बताया जाता है। साथ ही चाइनीज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वाईफाई सर्टिफाइड हुआ Xiaomi का ये फोन इंडिया में Redmi 9A नाम से लॉन्च होगा। वहीं लिस्टिंग में इस फोन को Android 10 OS और MIUI 12 से लैस बताया गया है। साथ ही उम्मीद है कि इंडिया में आने वाले Redmi 9A में भी इंटरनेशनल वर्जन जैसी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा Redmi 9A की प्राइस की बात करें तो इसे मलेशिया में 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी प्राइस 6,300 रुपए देखने को मिल जाती है, जबकि इसके साथ 3GB और 4GB रैम के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसकी प्राइस का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं Redmi 9A के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.53 इंच की HD+ का LCD डिस्प्ले जो की वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये फोन 2GHz MediaTek Helio G25 चिपसेट पे काम करता है और ये चिपसेट कम बजट वाले स्मार्टफोन में पावरफुल गेमिंग एक्सपीरियंस देती है। इसके अलावा ये चिपसेट हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी और IMG पावर VR EG8320 GPU से लैस है। वहीं फोटोग्राफी की बात करें जो कि Redmi 9A के बैक में सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ इस फोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं Redmi 9A में पावर बैकअप के लिए 5000mAh की बैटरी और 10 वाट की चार्जिंग का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इस फोन को जल्द ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और शायद इसे अगस्त लास्ट वीक तक देखने को मिल सकती है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 6,500 रुपए के आसपास में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।